ग्रामीणों के जज्बे को सलाम, श्रमदान कर बनाई चलने लायक सड़क नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के सिलकट्टा देवराज गांव के बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान थे। आक्रोशित लोग थक हार कर खुद ही मरम्मती किए हुए विगत 4 वर्षों से टूटे हुए सड़क पर जल जमाव से तंग आकर ग्रामीणों ने स्वयं से श्रमदान और आर्थिक दान कर सड़क मरम्मत किया। जनप्रतिनिधियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। बता दें कि दर्जनों गांव का लाइफलाइन कहे जाने वाला सड़क विगत 4 वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। ग्रामीणों ने एक बैठक कर श्रमदान और आर्थिक दान से सड़क को दुरुस्त कर दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि बदहाल सड़क को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा। ऐसे में ग्रामीणों ने लाखों रुपए खर्च कर फिलहाल सड़क को दुरुस्त कर खुश दिख रहे हैं। हाँ, हम लोग आर्थिक और श्रमदान की वजह से हम लोग काम करा रहे हैं। नेता और विधायक या और किसी के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, सरकारी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग अपने स्तर से गांव के मदद से अपना ये करा रहे हैं हम लोग। बाकी जो फिर जिस तरीका से सरकार का जो गवर्नमेंट का जो होगा उसे होगा। कौन सा गाँव है ये? सिकटा दौरा पड़ेगा। 3 से 4 साल हो गया इसको, ये सड़क की हालत बहुत बेहतर है। यहाँ पे पानी की भराव काफ़ी हो जाती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। और ये मुख्य मार्ग है, ये आगे इधर धोबनी सीसई लाकर और ब्रह्मौली और जाने के लिए मेन रास्ता है। लेकिन सभी जो मुखिया और विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे गुहार लगाया गया कि इसको बनवाइए, लेकिन सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, किसी ने नहीं कराया। ये हम अब ग्रामीण अपनी श्रमदान और फाइनेंशियल अपनी पर्सनल फाइनेंशियल पैसा लगा के इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और उम्मीद है कि हम लोग इसे मतलब कर लेंगे। जी, ये जो समस्या था 3-4 साल से है, दर्जनों गांव का ये एग्जिट एंट्री पॉइंट है, सबका आवागमन यहीं से है। जिसको भी लौरिया या रामनगर नरकटिया जाना है वो यहीं से निकल के अपना मुख्य मार्ग पकड़ के जाता है। काफ़ी बदहाली थी, जैसे देख रहे हैं कि कितना ऊपर भरने के बाद भी अभी लेवल में नहीं आया है, और भी भरना है। और इसके लिए हम लोग मुखिया, सरपंच, वार्ड जो भी होते हैं, ऊपरी स्तर के लोगों से भी हम लोग मुलाकात किए, लेकिन सब लोगों ने आश्वासन ही दिया है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आज सुबह हम लोग बैठे थे, हमारे अनीश भाई हैं, ये लोग सब लोग बैठे थे, इसके तो मीटिंग हुआ और हम लोग बस लग गए हैं। लाखों रुपये का खर्च है इसमें, जिसमें 35,000 रुपये अभी तक कलेक्शन हुआ है, आगे भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जो भी होगा सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कौशल अली है।